सेकंड पर्सन ने वो प्लेस ले लिया था, रिश्ता टूट गया है, लाइफ खत्म। आसपास वालों को जब ये बातें पता चलती हैं तो बहुत सारे इशू उठते हैं, बहुत सारी बातें बनती हैं, बहुत कुछ बोला जाता है, और कुछ लोगों को तो मेरे नाक की वजह से मैं चीनी भी लगती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और मैं आप लोगों के साथ आज अपनी लाइफ एक शेयर करने वाली हूँ, अपनी लाइफ पूरा शेयर करने, पूरा लाइफ की जर्नी बताने वाली हूँ। मतलब कुछ कुछ बातें जो आपको जानना ज़रूरी है मेरा आगे इस चैनल को बढ़ाने से पहले। पहले तो मैंने बहुत टाइम हो गया इस चैनल पे वीडियो डाली नहीं है, क्योंकि इसके आगे वाले ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप देख सकते हो। और बाकी जो आगे आने वाले अगर लोग मेरे साथ कुछ जुड़ते हैं तो मैं उन लोगों को एक क्लैरिटी देना चाहती हूँ, एक पता हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और क्या है मेरी लाइफ की रियलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम मीनू है, और मैं बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं पंजाबी हूँ, हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, तो मैं पंजाबी हूँ, एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली मैं इंडिया से ही हूँ, इंडियन हूँ, मैं पंजाबी हूँ बेसिकली। और मेरा बेटा है एक 9 साल का, और मैं सिंगल मदर हूँ। जी हाँ, मैं सिंगल मदर, और ये बात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक्सेप्ट करना बहुत सारी लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि रियलिटी में ही, रियल लाइफ में अगर आसपास वालों को जब ये बातें पता चलती हैं तो बहुत सारे इशू उठते हैं, बहुत सारी बातें बनती हैं, बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है, गलतियाँ निकाली जाती हैं, ब्लेम किया जाता है, मुझे उठाई जाती है, बहुत कुछ होता है। तो मैंने उन सबको फेस किया है, 3 सालों से मैं अलग रह रही हूँ, मैंने उन सबको फेस किया है। और मुझे थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये मिला कि मैं अपनी मम्मी के पास हूँ, तो मुझे ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, और इसकी वजह से शायद मुझे थोड़ा सा अगर 10-20% कम फेस करना पड़ा है फाइनेंशली आप कह सकते हो। एक्चुअली मेरे मम्मा ना वर्किंग है, और इसीलिए मैं थोड़ा सा सर्वाइव कर पाई, क्योंकि जब रिलेशन ब्रेक हुआ था तो मैं डिप्रेशन में रही। मैं सिर्फ आज आपको सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी, कुछ इधर उधर की बातें नहीं। जो मैंने फेस किया, जो रियलिटी है, वो रिश्ता कैसे टूटा, वो अगर कभी अगर फ्यूचर में शेयर करूंगी, कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या रीज़न था। कोई मतलब अभी आप रीज़न को वो मत करिए, रिज्यूम मत करना, रीजन्स मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन रीजन्स बहुत ऐसे होते हैं, वैलिड होता है कि लड़कियों को ये स्टेप लेना पड़ता है, क्योंकि किसी के लिए आसान नहीं है कि छोड़ के 8 साल का 9 साल का रिलेशन आप तोड़ के एकदम से अलग रह जाते हो, और वो भी आपका अगर 8 साल का बेटा है, 9 साल का, अब तब तो वो 7 बर्थडे यहाँ पे मनाया था हमने, अब वो 9th ईयर का है इस टाइम पे। किसी के लिए भी आसान नहीं होता ये सब फैसला लेना और अलग हो जाना, लेकिन ठीक है आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं पंजाब से हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, मम्मा के पास। मेरे हम लोग 3 बहनें और एक भाई है, और एक बहन मैरिड है, एक भाई मैरिड है, और एक बहन अनमैरिड है अभी, और मैं मैरिड हूँ, मम्मी के पास ही रहती हूँ। मम्मा वर्किंग थे तो मैं थोड़ा सा सर्वाइव कर पाई, क्योंकि रिलेशन टूटने के बाद मैं डिप्रेशन में रही बहुत ज़्यादा, समझ में नहीं आया क्या करूँ, कैसे करूँ, सब कुछ ख़त्म ऐसा लग रहा था, और घुटन सी होती थी एकदम से, सब ख़त्म, ऐसा लगता था सब ख़त्म, कोई रास्ता ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं था, समझ में नहीं आता था कि क्या करूँ। और आज जो आप लोगों को मैं ऐसे कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही हूँ, कैमरे के सामने बोल रही हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से गेन किया है, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया है, और मेरे बेटे ने, फ्रेंड्स तो मेरे हैं नहीं ज़्यादा कुछ खास, क्या है ही नहीं, एक दुक्का वो भी यही आस पड़ोस में है, वो बातचीत ही होती, कुछ फ्रेंड नहीं है ऐसा कोई कि फ़ोनों पर बात होती है या बातें शेयर की जाती है, ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है। और कईयों को यहाँ पे लगता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो हाँ जी मेरे 2 बच्चे ही हैं, लगा लीजिए, मेरा बेटा है जो, और मेरी एक बेटी थी जो मेरे पास रहती थी, एक्चुअली मैं मेरी सिस्टर की बेटी है, 1.5 साल से वो वहीं पे मेरे पास ही रह रही थी, और अब वो चली गई है, क्योंकि अब उसको भी आगे अपनी लाइफ कंटिन्यू करनी है। तो मैं चैनल पे वीडियो सब डेली डालूंगी, और डेली व्लॉगिंग आएगी मेरी, और सब कुछ मैं शेयर करूंगी कि क्या मैंने फेस किया, क्या आगे फेस करने वाली हूँ, क्या हो रहा है, क्या दिक्कतें परेशानियाँ एक सिंगल मम को बेसिकली इन इंडिया में आती है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ देखने से पहले मेरे व्यूअर्स को ये पता चल जाए कि मैं एक्चुअली क्या हूँ, कौन हूँ। और ज़्यादातर मॉम बनने के बाद ये सोचा जाता है कि उनकी लाइफ ख़त्म, फिजिकली भी ख़त्म और वर्किंग में भी ख़त्म, और कुछ नहीं ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। माँ बनना इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, और वो बनने के बाद आप कोई सुख होते नहीं हैं, वापस उल्टा बातें ही हैं। डिप्रेशन में थी तो लाइफ ख़त्म करने की बातें भी सोचती थी, लेकिन जब बेटे को देखा तो सब भूल गई, और सब सोचा बस कि बस ठीक है, जो होना था वो हो गया, लेकिन आगे नहीं होगा। अब मैं डिमोटिवेट नहीं होंगी, अब मैं रोऊंगी नहीं, अब मैं गिरूंगी नहीं, अब मैं जो करना है अपने बेटे के लिए करना है,
और जो बनना है बनना है। और मुझे एक्चुअली मैं यहाँ पे हूँ ये जताने के लिए नहीं कि हाँ मैं स्टार बन जाऊँ या कुछ ऐसे, मैं यहाँ पे हूँ अपनी लाइफ शेयर करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, ताकि मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियों को एक होप मिले कि वो भी कुछ कर सकती हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आप लोग का मैरिड या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर आप लीवी में हो या एक रिलेशनशिप में हो या फिर हस्बैंड वाइफ कपल में हो तो आप लोग ये अगर वो अच्छा नहीं चल रहा तो तोड़ के ख़त्म करके बाहर आ जाओ। आप लोग देखिए आपको उस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे करना है और क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन अगर आप एक बार डिसीजन ले लोगे कि हाँ अगर अलग रहना है तो बी कॉन्फिडेंट, या वो चाहे वो लड़का है या लड़की, दोनों के लिए उतना ही टफ होता है, दोनों के लिए उतना ही मुश्किल होता है। हाँ इन जिनकी गलती होती है उनके लिए थोड़ा कम होता है, जिनकी गलती नहीं होती है उनके लिए थोड़ा, मैं ये नहीं कहूँगी हमेशा लड़के ही सही होते हैं या मैं ये नहीं कहूँगी हमेशा लड़के ही गलत होती है। रिश्ता दोनों तरफ से खराब होता है जब खराब होता है, और जब खराब होता है तो बहुत बुरी तरह से होता है। बोला कि मम्मा आप भी मेरे मम्मा हो और आप भी मेरे पापा हो, तो वो शब्द कानों में जब पड़े तो आज भी वो यही कहता है। और अगर कोई फ्रेंड्स उससे पूछता है या फ्रेंड्स पूछते हैं उनसे या कोई ट्यूशन पे या स्कूल में पूछते हैं तो वो हमेशा यही कहता है कि मेरी मम्मा भी वही है और मेरे पापा भी वही हैं। एक बार तो उसने अपना नाम भी बोल दिया था कि अपने नाम के पीछे मेरा नाम लगा के, तो उसका उसकी उसके लिए बस उसके लिए सब डिप्रेशन छोड़ा, जीना जीना शुरू किया और लगता है कि अब जीना है उसके लिए और अब गिरना नहीं है, अब टूटना भी नहीं है और अब झुकना भी नहीं है और अब दिखाना है कुछ करके, तो कुछ करके दिखाना है बस, वही बस यही है कि कुछ करके दिखाना है। और बॉडी शेमिंग भी होती है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, अगर ऑनलाइन आप प्लेटफॉर्म में होते हो तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ यहाँ पे भी झेलना पड़ेगा शायद से, लेकिन शायद इससे मैं और ज़्यादा स्ट्रांग ही होंगी क्योंकि अब कोई भी बात मुझे वो रोक नहीं सकती। अब नहीं सुनना, अब नहीं झुकना, अब नहीं रुकना है, एक माँ हूँ और अपने बच्चे के लिए आगे ही आगे बढ़ते जाना है बस। और लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, रिश्ता टूट गया है, लाइफ ख़त्म ऐसा नहीं सोचूंगी मैं, रिश्ता टूट गया है शायद मुझे ये सिखाने के लिए कि मैं भी अपने लिए सोचूं कुछ हूँ मैं, शायद ये सिखाने के लिए। तो बस आज की वीडियो इसी यहीं तक की, और शायद आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मैं दे पाई हूँ। दैट बेसिकली यही बताना चाहती थी कि इंट्रोडक्शन ही यही है, आप लगा लीजिए कि आई एम ए सिंगल मॉम। इससे पहले कुछ तो वीडियो मैंने डाली हैं लेकिन अब रेगुलर व्लॉग आएंगे, रेगुलर वीडियोज आएंगी। आई होप कि आप लोग मेरे को प्यार देंगे और मेरी वीडियोज आपको अच्छी लगेंगी, और अगर कहीं पे कोई कमी पेशी हुई तो प्लीज़ बताइएगा, लेकिन नेगेटिविटी ना तो मैं अपने चैनल पे खुद फैलाऊंगी ना मैं किसी को फैलाने दूंगी। और अगर कुछ सजेशन हुए या क्वेश्चन हुए आपके तो आप लोग ज़रूर मुझे इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हो, तो फिर से Q&A करेंगे। और अगर कुछ बातें, अगर मैं अभी नर्वस, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी ये वीडियो बनाने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाई नहीं, और अपनी लाइफ को ऐसे बता देना, बहुत सारी बातें शायद मैं लिखी थी लेकिन मैं भूल गई क्योंकि अब मैंने देखी नहीं। आप लोग क्वेश्चन कीजिए मुझसे, मुझसे अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो मेरी लाइफ के बारे में तो आप लोग ज़रूर मुझे नीचे क्वेश्चन कीजिए, आप लोग ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो मैं सोचा था कि बड़ी सारी बनेगी लेकिन अब छोटी सी बनी है, 5-6 मिनट की शायद, तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मेरे को सजेशन देना कि मुझे कैसी किस टॉपिक पे और वीडियो बनानी चाहिए। तो मिलती है आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, वैल्यू कीजिए अपनी और अपनी रिलेशंस की।